करण जौहर अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और सभी जानते हैं कि वो अपने यौन रुझान को लेकर भी मशहूर है। हालांकि उनके लिए काफी बुरा होता है क्योंकि वो ट्रोल किए जाते हैं। कई बार करण इसको हंसकर टाल देते हैं, लेकिन इस वक्त उनका दर्द के कहे जाने पर छलक गया है। उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कुछ बातें बताई। करण जौहर ने खुलकर बताया कि ऐसी घटना है जिसने पहले उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाला था और वो काफी परेशान रहने लगे थे। इस दौरान करण जौहर नए शो बी अ मैन यार में थे और इस शो के प्रोमो में करण जौहर होस्ट निखिल तनेजा से इस बारे में बात करते हुए दिखे। करण जौहर कहते हैं, आज इसे आप गे, फाग या होमो कहते हैं, यह अपमानजनक लहजे में कहा जाता है। इसे उन दिनों पेंसी कहा जाता था और ये कैसा शब्द था जिसने मुझे वास्तव में एक खोल में धक्का दे दिया था। हालांकि जैसे ही ये प्रोमो सामने आया, लोग अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं और करण जौहर को लेकर एक हेल्दी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। करण जौहर को लेकर अक्सर किसी अवार्ड शो में या कॉमेडी शो में मजाक बनाया जाता है, लेकिन उन्होंने कभी इस बात का बुरा नहीं माना। वो खुद भी इस पर जोक करते हुए नजर आते हैं। वर्क फ्रंट पर बात करें तो इस वक्त उनकी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की सफलता का वे आनंद ले रहे हैं, जिसने शानदार कमाई की है। आने वाले महीनों में उनकी कुछ फिल्में और रिलीज होने वाली है जिनको लेकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। वेल, करण जौहर के दिए गए बयान पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।